क्लास आज हमारे पास है नेटवर्क की टाइप्स कि नेटवर्क जब भी हम बनाते हैं तो उसकी कुछ टाइप्स होती हैं। अब एक नेटवर्क होता है हमारे पास स्मॉल नेटवर्क और एक होता है हमारे पास लार्ज नेटवर्क और एक नेटवर्क होता है हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज नेटवर्क। अब जैसे हमारे पास स्मॉल नेटवर्क होगा, अब स्मॉल से भी एक स्मॉल नेटवर्क होता है वो मैं लास्ट पे बताऊंगा, वो हमने यहाँ इसकी टाइप्स के अंदर नहीं पढ़ना। फिलहाल हमने इसकी टाइप्स के अंदर तीन नेटवर्क्स पढ़ने हैं। पहले आएगा हमारे पास लैन, उसके बाद आएगा मैन और उसके बाद आएगा वैन। सबसे पहले हमारे पास है लैन लोकल एरिया नेटवर्क। क्लास लोकल एरिया नेटवर्क हम इसको क्यों कहते हैं, इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास एक कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है, सिर्फ एक लोकल एरिया। लोकल एरिया के अंदर क्या होगा, अ लोकल एरिया नेटवर्क लैन इज अ कंप्यूटर नेटवर्क विद इन अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया सच एज अ होम, स्कूल, कंप्यूटर लेबोरेटरी, ऑफिस बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। कि हमारे पास लैन नेटवर्क के अंदर क्या होगा, एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क होगा जो कि एक छोटे से एरिया के अंदर होगा। अब उस एरिया के अंदर एक घर हो सकता है, एक स्कूल हो सकता है, कंप्यूटर लेबोरेटरी हो सकती है या कोई ऑफिस हो सकता है या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स हो सकती हैं। अब ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स का क्या मतलब है, हमारे पास के दो तीन बिल्डिंग्स इकट्ठी हैं, हमने उनको एक बिल्डिंग को दूसरी बिल्डिंग के साथ और दूसरी बिल्डिंग को थर्ड वाली बिल्डिंग के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब हमने तीनों बिल्डिंग्स के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं सब कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे के साथ लिंक किया हुआ है। अब एक होम के अंदर, घर के अंदर, ऑफिस के अंदर या क्लास के अंदर जितने भी हमारे पास नेटवर्क होंगे, एक मिनट होल्ड करो। हाँ जी, नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हमारे पास था कि किसी होम के अंदर हम बना सकते हैं, स्कूल के अंदर, कंप्यूटर लेबोरेटरी के अंदर, ऑफिस बिल्डिंग के अंदर, कहीं भी हम ये नेटवर्क बना सकते हैं। अ लोकल एरिया नेटवर्क लैन इज अ कंपोज्ड ऑफ इंटरकनेक्टेड वर्क स्टेशन एंड पर्सनल कंप्यूटर्स विच आर ईच कैपेबल ऑफ एक्सेसिंग एंड शेयरिंग डेटा एंड डिवाइसेस। अब लोकल एरिया नेटवर्क जहां भी हम बनाएंगे, अब इस नेटवर्क को बनाने का हमारा बेसिकली पर्पस क्या होगा, पर्पस क्या होगा कि हम अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकेंगे, डेटा शेयर कर सकेंगे, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो दूसरों तक शेयर इजीली कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम कौन कौन सी चीजें एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, अब इसके अंदर आ जाएगा सच एज हमारे पास प्रिंटर्स, स्कैनर्स, डेटा स्टोरेज डिवाइसेस एनीवेयर ऑन द लैंड्स। के लैन नेटवर्क के अंदर जो भी चीजें हम शेयर करेंगे वो चीजें हमें इजीली कोई भी कंप्यूटर वहां से एक्सेस कर सकते हैं। अब सपोज एक नेटवर्क बनाया, नेटवर्क के अंदर हमारे पास जैसे ये पिक्चर के अंदर दिखाया गया है। सर आई एम नॉट एबल टू सी दी नोट्स, प्लीज शो द स्क्रीन नोट्स। नोट्स आप लोगों को शो नहीं हो रहे? नो सर, बाकी स्टूडेंट्स से पहले स्क्रीन ऑफ करें। पहले तो क्लास ले रही हो, पिन करना पड़ता है। लिशबा मुश्ताक का माइक ऑन है। हाँ जी बोले बहन। इसकी आवाज नहीं नहीं सुनी लग रही है, हमारी क्लास की नहीं है सर। इसको निकाल लें हमारी क्लास से, वरना हम सारे चले। हमारी क्लास की बंदी नहीं है यार, फिर हम लोग लेफ्ट कर देते सारे। सर ये घुस बैठ गया है, ये कोई और कॉलेज की है मुझे लगता है। सारे सर जी ये जसूस है, आपको क्या पता हो, आपकी जसूसियां कर रही है ये। जो भी मैंने उसको रिमूव कर दिया। थैंक यू सर। ये पिक्चर के अंदर दिखाया गया हमारे पास के प्रिंटर शो लगा हुआ है यहाँ पे, इस साइड पे प्रिंटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सेलफोन है, गेमिंग कंसोल है और ये सेंटर में एक स्विच है। अब स्विच हमने टोपोलॉजीज के अंदर देखा था। टोपोलॉजीज आप लोगों ने पढ़ी? नहीं अभी नहीं पढ़ी।
अब ये हमारे पास एक स्विच लगा हुआ है और ये होम राउटर होगा, किसी घर का राउटर लगा हुआ है। अब ये इसी तरह हमारे पास एक और है स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे भी गेम कंसोलिंग, प्रिंटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, सेलफोन। अब ये एक प्रिंटर है, अब ये प्रिंटर बाकी जितने भी कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, डेस्कटॉप लगा हुआ है, लैपटॉप लगा हुआ है, सेलफोन लगा हुआ है, गेमिंग कंसोल लगा हुआ है। अब ये प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस है जो बाकी सबके साथ शेयर हो सकती है, कि यानी कि अगर इनमें से किसी ने भी प्रिंट लेना है तो वो इजीली इस प्रिंटर को यूज करते हुए प्रिंट ले सकते हैं। अब इसी तरह इस साइड पे हमारे पास शो हो रहा है कि इनमें से किसी ने कोई प्रिंटर लेना है तो वो भी इस प्रिंटर को इजीली यूज कर सकते हैं। अब नेटवर्क के अंदर होता है बेसिकली ये है कि हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को अटैच कर देते हैं और साथ में जिस डिवाइस को हमने सेपरेटली परचेज करना होता है, कि जैसे हमारे पास कंप्यूटर लैब है कॉलेज के अंदर तो अगर हमारे पास 30 कंप्यूटर हैं तो हमने प्रिंटर यूज़ करना है, तो ये नहीं होगा कि हम 30 कंप्यूटर्स के लिए अलग-अलग से प्रिंटर परचेज करें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम जस्ट क्या करते हैं, सिर्फ एक कंप्यूटर परचेज कर लेते हैं, एक प्रिंटर परचेज कर लेते हैं। अब उस एक प्रिंटर को हम सेंट्रल डिवाइस यूज़ करके उन कंप्यूटर्स, बाकी जितने भी कंप्यूटर्स हैं सबके साथ अटैच कर देते हैं। अब 30 के 30 कंप्यूटर्स उस एक कंप्यूटर प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं इजीली। अब जिस कंप्यूटर ने प्रिंट निकालना है, कमांड भेजनी है, तो वो सिर्फ उस प्रिंटर को यूज़ करके प्रिंट निकाल सकता है। अब इसी तरह हमारे पास अगर हमने प्रिंटर के अलावा स्कैनर शेयर करना है, स्कैनर भी कर सकते हैं, फैक्स मशीन शेयर करनी है वो भी कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर शेयर करने वो भी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करनी है वो भी हम इजीली शेयर कर सकते हैं। अब ये था हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क के हमारे पास कुछ एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं। अब वो कौन से हैं हमारे पास, सबसे पहले आते हैं एडवांटेज के अंदर हमारे पास है रिसोर्स शेयरिंग, सेपरेट कंपोनेंट्स। के रिसोर्स शेयरिंग सबसे पहले हमारे पास इसका फ़ायदा ये होगा कि हम इजीली अपने रिसोर्स जो हैं वो बाकी सबके साथ शेयर कर सकते हैं। सेपरेट कंपोनेंट्स के हमें हर एक के लिए सेपरेट कंपोनेंट परचेज नहीं करना पड़ता, सेपरेट चीज़ें परचेज नहीं करनी पड़ती। नेटवर्क एवोल्यूशन के हमारा जो नेटवर्क होता है वो बिल्कुल स्मॉल नेटवर्क होता है, हम उसको इजीली इवेल्यूएट कर सकते हैं। हाई डाटा ट्रांसफ़र रेट कि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ जब भी डाटा सेंड करेंगे इस नेटवर्क के अंदर तो वो वेरी फास्ट स्पीड के अंदर डाटा सेंड होगा। लो एरर रेट्स कि इसके अंदर जो हमारे पास एरर्स आएंगे वो बहुत कम होंगे। कैन बी प्राइवेटली ओन्ड मेंटेन्ड और इसको हम एज ए प्राइवेट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं लैन नेटवर्क को। अब इसके डिसएडवांटेज क्या, हमारे पास रिलेटिवली हाई कॉस्ट, ये हमारे पास हाई कॉस्ट यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट लगती है जब हम ये नेटवर्क बनाते हैं। हाई डिग्री ऑफ मेंटेनेंस और इसको मैनेज करना भी हमारे लिए हाई डिग्री हाई पावर लेता है। उसके बाद कॉन्स्टेंट नीड फॉर अपग्रेड्स कि जब भी हमें बाद में कभी इस नेटवर्क को बड़ा करना पड़ता है या बढ़ाना पड़ता है तो हमें कुछ नई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके बाद हमारे पास नेटवर्क आएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन। अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज़ अ सिमिलर टू लोकल एरिया नेटवर्क लैन। अब ये नेटवर्क में हमारे पास लैन नेटवर्क की तरह मिलता जुलता है बट स्पेंस एन एंटायर सिटी और कैंपस। बट इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या चीज़ था कि उसके अंदर क्या था, हमारे पास स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया था कि होम बिल्डिंग ऑफिस ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। अब इसके अंदर क्या हमारे पास सिटी और कैंपस, कि ये नेटवर्क हमारे पास एंटायर सिटी होगा या एंटायर कैंपस होगा। मैंस आर फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग मल्टीपल लैंस।
जब मैन नेटवर्क बनाते हैं तो इसके अंदर मल्टीपल लैन नेटवर्क कनेक्ट होते हैं तो हमारे पास मैन नेटवर्क बनता है। दस मैन्स आर लार्जर देन लैंस, और जो हमारे पास मैन नेटवर्क होता है ये लैन नेटवर्क से भरा होता है, बट स्मॉलर देन वाइड एरिया नेटवर्क, जबकि वाइड एरिया नेटवर्क से स्मॉल होता है। मैन्स आर एक्सट्रीमली एफिशिएंट एंड प्रोवाइड फास्ट कम्युनिकेशन वाया हाई स्पीड कैरियर्स सच एज फाइबर ऑप्टिक केबल्स। जो हमारे पास मैन नेटवर्क होता है ये एफिशिएंट और फास्ट स्पीड प्रोवाइड करता है वैन की निस्बत, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज की जाती है। अ मैन इज अ आइडियल फॉर मैनी काइंड ऑफ नेटवर्क यूजर्स बिकॉज इट इज मीडियम साइज नेटवर्क। अब ये मैन नेटवर्क हमारे पास एक आइडियल नेटवर्क है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास मीडियम साइज का नेटवर्क होता है। मीडियम साइज का नेटवर्क किस तरह से होता है हमारे पास कि एक सिटी है, सिटी के अंदर जितने भी घर हैं सबको एक दूसरे के साथ लिंक किया जाता है। अब जब मल्टीपल सिटीज आ जाएंगे तो हमारे पास बड़ा नेटवर्क आ जाएगा, वो इससे के बाद दूसरी टाइप है वैन वो आ जाएगी, इसलिए ये हमारे पास मीडियम साइज नेटवर्क होता है। मैन्स आर यूज टू बिल्ड नेटवर्क्स विद हाई डेटा कनेक्शन स्पीड फॉर सिटीज एंड टाउन्स। अब जो हमारे पास मैन नेटवर्क होता है ये सिटी और टाउन्स के लिए हाई स्पीड डेटा प्रोवाइड करता है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या था, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्लास इस पिक्चर के अंदर और इससे प्रीवियस पिक्चर के अंदर डिफरेंस देखें जरा कि इसके अंदर ये सारा एक नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क। अब इस पिक्चर के अंदर क्या हमारे पास ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है, ये लोकल एरिया नेटवर्क, ये भी लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क आपस में लिंक किए गए हैं तो हमारे पास क्या बना है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन। अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं हमारे पास। मोर केबल रिक्वायर्ड फॉर मैन कनेक्शन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि एक जगह से दूसरी जगह लिंक करने के लिए हमें ज़्यादा केबल्स की ज़रूरत पड़ती है। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ हैंडलिंग डाटा, कि इसके अंदर हमें डाटा को हैंडल करने के लिए मज़ीद एफिशिएंसी के साथ डाटा को क्रिएट करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। इंक्रीज द स्पीड ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा, कि जब हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है तो उसकी स्पीड भी इंक्रीज होती है। सेव्स द कॉस्ट अटैच्ड टू एस्टेब्लिश अ वाइड एरिया नेटवर्क, कि जो भी हमने इसके साथ डिवाइसेस अटैच की हैं या कंप्यूटर्स को हम आपस में अटैच कर देते हैं, इससे हम अपनी कॉस्ट को काफ़ी सेव कर लेते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव बाय शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर्स, क्या हम अपने रिसोर्सेज को इसके अंदर शेयर कर देते हैं, इससे क्या होता है हमारी कॉस्ट की सेविंग हो जाती है। ऑफर सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट ऑफ डाटा, कि इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट हो जाती है, हमने जो भी डाटा इसके अंदर सेव करके रखना होता है एक नेटवर्क के अंदर, उसकी एज ए सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट हो जाती है कि एक सिटी के अंदर हमारा एक ऑफिस होगा, उसके अंदर जितना भी डाटा होगा सिटी का वो सारा उस ऑफिस के अंदर आ रहा होगा, तो हम वहाँ से उस डाटा को ईजीली मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद है इनेबल्स पीपल टू कनेक्ट मैनी फास्ट लैंस टूगेदर। अब इसके अंदर क्या होता है हमारे पास कि लैन नेटवर्क से ज़्यादा पीपल्स कनेक्ट होते हैं, इसलिए वो आपस में ज़्यादा कम्युनिकेट कर सकते हैं। इजी टू इम्प्लीमेंट लिंक्स, अब इसके अंदर एक दूसरे को लिंक करना वो हमारे लिए इजी होता है। फ्लेक्सिबल ऑफ प्रोसीड सर्विसेज, और इसके अंदर हमारे पास इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करना भी हमारे लिए फ्लेक्सिबल है और हाई सिक्योरिटी, और इसके अंदर हमारे पास जो सिक्योरिटी होगी वो भी हाई होगी। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो क्या उनसे हमारे पास द लार्ज द नेटवर्क बिकम्स
डिफिकल्ट टू मैनेज। अब इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जो नेटवर्क होता है उसको हम मैनेज करना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक सिटी के अंदर नेटवर्क होगा, किस घर के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है वो हमें जल्दी से पता नहीं चलता। डिफिकल्ट टू मेक दिस सिस्टम सिक्योर फ्रॉम हैकर्स एंड इंडस्ट्रियल। अब जैसे जैसे हमारे पास नेटवर्क बड़ा होता जाएगा तो वहाँ पे हैकर्स का ख़तरा भी ज़्यादा होता जाएगा, हैकर्स का इंडस्ट्री के ऊपर और बैंकों के ऊपर इनका ख़तरा ज़्यादा होता जाता है। अब इसके बाद आती है हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क। क्लास सबसे पहले था हमारे पास लैन नेटवर्क, उसके बाद था मैन नेटवर्क, मैन के अंदर क्या था मल्टीपल लैंस नेटवर्क, और अब वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया के अंदर हमारे पास क्या है मल्टीपल मैन नेटवर्क कनेक्ट होंगे तो हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क बन जाएगा। अब वैन वाइड एरिया नेटवर्क इज अ कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट स्पेंड्स अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया सच एज अक्रॉस सिटीज स्टेट्स एंड कंट्रीज। अब इसके अंदर क्या होता है हमारे पास क्या मल्टीपल सिटीज कनेक्ट हो जाएंगी, मल्टीपल स्टेट्स कनेक्ट हो सकती हैं, मल्टीपल कंट्रीज आपस में कनेक्ट हो सकती हैं। अब जैसे कि ये हमारे पास एक मैन नेटवर्क है, ये एक मैन नेटवर्क, ये एक मैन नेटवर्क, ये भी मैन नेटवर्क, ये जब चार मैन नेटवर्क मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा वाइड एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क बन जाएगा। अब इसी के अंदर हमारे पास ये दिखाया गया अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कैनेडा, ये फोर कंट्रीज जब आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होंगे तो हमारे पास मैन नेटवर्क बनेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि एट अ टाइम फोर ही आपस में कनेक्ट हों, दो भी कनेक्ट हो सकते हैं, तीन भी कनेक्ट होंगे तो वो भी हमारे पास एज ए वाइड एरिया नेटवर्क ही कहलाएगा। दे कैन बी प्रोवाइड प्राइवेट टू कनेक्ट पार्ट्स ऑफ बिजनेस और दे कैन बी मोर पब्लिक टू कनेक्ट स्मॉलर नेटवर्क टूगेदर। और ये हमारे पास नेटवर्क जब आपस में बनाते हैं तो ये प्राइवेट के तौर पे भी नेटवर्क बना सकते हैं और पब्लिक के तौर पे भी नेटवर्क बना सकते हैं। द ईजिएस्ट वे टू अंडरस्टैंड व्हाट अ वैन इज टू लिंक ऑफ द इंटरनेट एज अ होल विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन। अब जो हमारे पास इसकी रियल लाइफ के अंदर एग्जाम्पल है वो हमारे पास ये है कि हम गूगल को यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब को यूज़ कर रहे हैं या कोई भी वेबसाइट हम सर्च करते हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर कोई भी इंसान उस वेबसाइट को इजीली सर्च कर सकता है। हम यहाँ पे बैठ कर गूगल को सर्च कर रहे हैं, आउट कंट्री भी लोग गूगल को सर्च कर रहे हैं और कंट्री भी गूगल को सर्च कर रहे हैं, तो यानी कि एक सेंट्रल पॉइंट है, वेबसाइट है जो कहाँ पर यूज़ हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी लोग बैठे इसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क होगा, क्योंकि यू लोग तभी यूज़ कर रहे हैं जब वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, तो ये हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क होगा। अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, अब वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर यूज़ करते हुए हम अपनी जो एफिशिएंसी है डाटा की उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ईज़ ऑफ कम्युनिकेशन, क्या हम हमारी जो कम्युनिकेशन है लोगों के साथ करनी है वो ईज़िली कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। इसकी कुछ डिसएडवांटेज हैं, वो कौन कौन से, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स के जैसे हमारे पास नेटवर्क बड़ा होता जाएगा तो हमारी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स इंक्रीज होती जाएंगी कि हैकर्स हमारे पास ज़्यादा ख़तरा होगा हैकर्स का। उसके बाद ट्रेनिंग कॉस्ट के, जितना हमारा नेटवर्क बड़ा होता जाएगा उसको मैनेज करने के लिए लोग भी हायर करने पड़ेंगे और उनको ट्रेनिंग करने की भी कॉस्ट पड़ेगी। उसके बाद मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स कि हमारे पास नेटवर्क को मेंटेन करने के भी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्लास ये हमने पढ़ा था नेटवर्क की टाइप्स। अब इसी के अंदर हमारे पास एक नेटवर्क की टाइप ये भी आती है पैन, PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसको एज ए MCQs के लिए आप लोग माइंड में रखें, पैन, PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब इसके अंदर क्या होगा कि कोई भी इंसान अपने पर्सनल काम करने के लिए जो नेटवर्क बनाता है उसको हम पैन कहते हैं। अब पर्सनल नेटवर्क के अंदर हम किस तरह बनाते हैं वो कौन सा होता है कि जैसे हम अपना मोबाइल लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लें, शेयर इट के साथ
या वाईफाई के साथ, या ब्लूटूथ के साथ, या केबल के साथ। दो मोबाइल्स को हम आपस में कनेक्ट करते हैं अपने पर्सनल काम के लिए, तो वो भी हमारे पास पेन की एग्जांपल है। लैपटॉप को मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हैं, पेन की एग्जांपल है। ये सारे हमारे पास जो हम पर्सनल काम करने के लिए नेटवर्क बनाते हैं, तो वो हमारे पास पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाएगा, पेन। तो ये थी हमारे पास क्लास, इसकी टाइप नेटवर्क की टाइप्स। अब इनके अंदर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। किसी को कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो वो पूछ सकते हैं आप लोग।